नमस्कार साथियों, जी नॉलेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई है कि एसआई और हेडमास्टर परीक्षा परिणाम है वो आज या कल जारी हो जाएगा और सेकंड ग्रेड रिजल्ट जो है वो अगले सप्ताह तक जारी हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड की जो विज्ञप्ति है वो दोस्तों अगले सप्ताह तक आरपीएससी द्वारा जारी कर दी जाएगी। तो बहुत समय से इंतज़ार कर रही है सेकंड ग्रेड भर्ती, एसआई भर्ती, हेडमास्टर भर्ती, इनके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। जैसा कि उपेन यादव जी ने अपने फेसबुक पेज पर के यह जानकारी दी है कि उन्होंने उनसे मुलाकात की, जैसा कि वार्ता उनसे हुई है, तो सचिन पायलट जी ने यह बताया है कि एसआई भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है वो आज रात या कल तक जारी कर दिया जाएगा और उसके अगले ही दिन हेडमास्टर भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसका परिणाम जारी होगा। सहायक अभियंता परीक्षा भर्ती का परिणाम भी जल्द जारी होगा और 5 से 7 दिन के बाद वरिष्ठ अध्यापक भर्ती यानी सेकंड ग्रेड परीक्षा का परिणाम जारी होना बताया गया है। 10 से 12 दिन के अंदर फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा की परीक्षा तिथि आवेदन की जो प्रक्रिया है उसका नोटिफिकेशन यानी विज्ञप्ति जारी करेगा। अधीनस्थ बोर्ड गुरुद्वारा शिक्षा विभाग ने कुछ भर्तियों का वर्गीकरण दे दिया है और कुछ भर्तियों का कुछ दिनों में दे दिया जाएगा। अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाओं का भी परिणाम जारी होना प्रारंभ हो जाएंगे। जिन भर्तियों की परीक्षा तिथि जारी होनी है और नए आवेदन होने हैं उनकी संशोधित विज्ञप्तियाँ अभी तक बोर्ड के पास नहीं पहुँची हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। विद्युत विभाग की हेल्पर 2 का परिणाम शुक्रवार या शनिवार को जारी नहीं हुआ, अगले वीक में परिणाम जारी होगा। और उससे पहले 10 जुलाई को भी जो उपेन यादव जी हैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष, उनकी मुख्य उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी से वार्ता हुई, आरपीएससी के चेयरमैन से बात हुई, तो उन्होंने ये कहा है कि ये सब जो होने वाला है वो 5-6 दिनों के अंदर हो जाएगा। रिजल्ट आने हैं जिनका इंतज़ार हम कर रहे हैं वो जल्द जारी होंगे और आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति है वो भी जल्द जारी होगी और नए फार्म है वो भरे जाएंगे।